हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइकोसूत्रा पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज इंट्रोडक्टिव वीडियो है ऑफ वोकेशनल साइकोलॉजी इससे पहले मैं अपने चैनल के बारे में थोड़े बता दूं हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी रिले मैं वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड टू तो बेसिकली साइकोलॉजी जैसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पॉजिटिव साइकोलॉजी सोशल जनरल बेसिक बायोसाइकोलॉजी थ्योरेटिकल अप्रोचे रिसर्च मैथडोलॉजी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पॉजिटिव साइकोलॉजी ठीक है काफ़ी सारे पे प्ले बन चुकी है आप आराम से आके यहाँ से पढ़ सकते हैं सो चलिए स्टार्ट आज का स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ठीक है इट इज़ ए स्पेशलैलिटी ठीक है स्पेशलिटी विद इन द अप्लाइड साइकोलॉजी इट इज़ अ साइंटिफिक एंटरप्राइज डेट कंडक्ट रिसर्च टू एडवांस नॉलेज अबाउट वोकेशनल बिहेवियर करियर इंटरवेंशन एंड सोशल एंड सोशल पॉलिसी देखिए अगर इसका हम सिंपल सा मतलब देखें वोकेशनल साइकोलॉजी एक ठीक है एक ब्रांच है अप्लाइड साइकोलॉजी का हम ऐसे कह सकते हैं जिसमें एक साइंटिफिक ये एक साइंटिफिक अप्रोच है ठीक है टू कंडक्ट किसके बारे में एडवांस नॉलेज लेने के लिए किसके बारे में तीन चीज़ों के लिए वोकेशनल बिहेवियर दूसरा करियर इंटरवेंशन एंड इनफॉर्म सोशल पॉलिसी अबाउट वर्क इश्यूज ठीक है फ्रेंक पार्सन थे इसके फादर ठीक है फादर ऑफ़ वोकेशनल साइकोलॉजी इज फ्रेंक पार्सन अब दो तरीके के में ना एक वो होता है ठीक है कंफ्यूजन होता है कि वोकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है और ए आई आई ओ ठीक है आईओ साइकोलॉजी में फ़र्क ठीक है इन दोनों में फ़र्क क्या है वोकेशनल साइकोलॉजी का मतलब है इसमें हम काम करते हैं वर्कर्स और एम्प्लॉय पे ठीक है और ऑर्गेनाइजेशनल या इंडस्ट्रियल में बात करते हैं हम एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स में ठीक है इन दोनों के बारे में बात करते हैं एम्प्लॉय जो काम करवा रहा है और जो कम काम कर रहा है ठीक है और वोकेशनल साइकोलॉजी पूरा उस पर बेसिस होता है कि क्या उसमें वर्कर्स है और कौन इसमें एम्प्लॉ है उसके मेंटल फिजिकल हेल्थ के बारे में ठीक है और कैसे वो वर्क एडजस्टमेंट कर रहा है कैसे वो अपने चॉइसेस बना रहा है ठीक है कैसे वो एन्वामेंट में फिट आ रहा है ठीक है कैसा उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा है ठीक है वोकेशनल साइकोलॉजी के तीन पार्ट्स माने जाते हैं ठीक है बेसिकली ये तीन पिलर्स हैं ऑफ़ वोकेशनल साइकोलॉजी वोकेशनल चॉइस वोकेशन आप ऐसा कह है सकते हैं कि ऑक्यूपेशन ठीक है कोई चॉइस, करियर ऑप्शन चॉइस ठीक है सेकेंड है वर्क एडजस्टमेंट वो पर्सन जहां वो काम कर रहा है उस वर्क प्लेस में क्या वो अच्छे से एडजस्ट हो रहा है और तीसरा करियर काउंसलिंग इट इज ओके ठीक है इट ओकेजनली कंसेंट्रेटेड ऑन अ फिट बिटवीन वर्कर्स एबिलिटी इंटरेस्ट जॉब जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स जो इंसान जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान है राम राम अपने कॉरपोरेट उसका जॉब है ठीक है राम का जॉब है कॉरपोरेट अब क्या उसकी एबिलिटीज उस जॉब से मैच कर रहा है क्या उसकी एबिलिटीज मैच कर रही है इंटरेस्ट उसमें सेम uh, हो रहा है मैच हो रहा है क्या जो जॉब की से और जो उसकी एबिलिटी इंटरेस्ट है वो उससे मैच हो रही है ठीक है अकॉर्डिंग टू हाइंस 2001, self arises when an individual align their biological system to the meaning system of culture in which they developed. Basically, it is a study of vocational behavior and its development. Right? According to Kreitz, 19. 61 वोकेशनल बिहेवियर डिफाइन एज थॉट्स फीलिंग एक्शन इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग इन एडजस्टमेंट टू एन ऑक्यूपेशन जब हम अपना करियर या हम क्या जॉब करने वाले हैं जब अपना हम, हम अपने करियर डेवलपमेंट या करियर के बारे में फ्यूचर करियर के बारे में हम बात करते हैं उसमें जो हमारे थॉट्स फीलिंग्स और एक्शन लगते हैं वो प्रोसेस ऑफ चूजिंग ठीक है इसी की पढ़ाई इसको क्या बोलते हैं वोकेशनल बिहेवियर जो हमारा होता है उसी की पढ़ाई होती है वोकेशनल साइकोलॉजी में अब अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें द हिस्ट्री ऑफ वोकेशनल साइकोलॉजी कहां से आए कैसा तो, कैसे डेवलप हुआ और आज इतना प्रचलन में ये कैसे है ठीक है वोकेशनल साइकोलॉजी अगेन अ स्पेशलिटी इन अप्लाइड साइकोलॉजी इट इज साइंटिफिक एंटरप्राइज डेट कंडक्ट रिसर्च टू एडवांस नॉलेज अबाउट वोकेशनल बिहेवियर इम्प्रूव करें इंटरवेंशन एंड इन्फॉर्म सोशल पॉलिसीज अबाउट द वर्क इश्यूज इट्स गोल ऑफ एडवांसिंग द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकेशनल साइकोलॉजी फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड करियर काउंसलिंग राइट अच्छा आगे चल के करियर काउंसलिंग और करियर इंटरवेंशन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कैसे हैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगा ठीक है एक सेपरेट वीडियो बनेगा करियर काउंसलिंग पर अच्छा मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि मुझे व्यूज़ और रीच मिल जाते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो आप इन्फॉर्मेशन और स्टडी अपना नॉलेज गेन कर लेते हो बट आप वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हो कम से कम लाइक कीजिए ठीक है मोटिवेशन हमें भी चाहिए होती है ठीक है पढ़ने में पढ़ाने में सो प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट माई वीडियो ठीक है सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो और जो भी आपके मित्र है सखी सखा है जो भी आपके क्लासमेट है फ्रेंड्स हैं उनको प्लीज़ शेयर कीजिए उनको बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि मुझे पता है साइकोलॉजी के बैकग्राउंड में ठीक है साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड वीडियोस विथ नोट्स यूट्यूब पे बहुत कम है इसलिए ये मेरा एम है कि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो इतना बुक्स में और कौन सा कंटेंट ढूंढे खुद से बनाए कौन सी लाइब्रेरी से ढूंढे इसलिए मैं हर जगह से पढ़ के खुद के नोट्स में शॉर्ट करके आपको और शॉर्ट में पढ़ाना चाहती हूँ ठीक है ताकि जिस जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ वो बच्चा फेस ना करे वो अच्छे से पढ़ सके बाई द मोस्ट अकाउंट्स द फील्ड ऑफ वोकेशनल साइकोलॉजी एट इज एट लो वेब इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन गो अन नोटिस्ड बाई लॉर्ड्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड फ्यू रिक्विटमेंट एंटर द फील्ड पहले जो था इसके ऊपर ध्यान बहुत कम लोगों का जाता था और ऑलमोस्ट ये अननोटिस्डे का कोई ध्यान नहीं देता था कि बस अच्छा नौकरी मिल गई थी कि हाँ काम कर रहे हैं ये नहीं कि क्या उस उसका जो एबिलिटीज है इंटरेस्ट है वो काम कर रहा है कि नहीं ठीक है वहाँ पे वो सेटिस्फाइड है कि नहीं अपने काम से जॉब वाला हमसे सेटिस्फाइड है कि नहीं काम कैसा चल रहा है क्योंकि वर्क प्लेस एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का जो डेली लाइफ को भी जो हमारे पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट करता है ठीक है तो इसके ऊपर तो बात होनी चाहिए लो स्टेटस ऑफ वोकेशनल साइकोलॉजी अपेयर इन द क्रॉनिकल ऑफ हाई एजुकेशन इन ए आर्टिकल कॉल्ड गुड वर्क वेल डन अकोलॉजिकल स्टडी हावर्ड गार्डनर चलो क्वेश्चन बन गया हावर्ड गार्डनर किस चीज के लिए फेमस है मेजरली ठीक है साइकोलॉजी में कॉमेंट कीजिए हावर्ड गार्डनर एसोट एट द एक्ल एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क हैज बिन स्ट्रेंजली निग्लेक्टेड एकेडमिक साइकोलॉजी देखिए वही सेम बात है कि ये तो एक एक्चुअल एक्सपीरियंस है ना आपका वर्क प्लेस ये कैसे निग्लेक्ट हो सकता है इसके ऊपर तो बात होनी चाहिए ही कंक्लूडेड दैट इट इज द हाई टाइम डेट साइकोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट द प्लेस डेट वर्क ऑक्यूपाइज इन द ऑल ओवर लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल वोकेशनल साइकोलॉजी यूनिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किसमें है साइकोलॉजी ऑफ वोकेशनल इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ करियर्स ठीक है जो मनोविज्ञान है जो हमारा वोकेशनल इंटरेस्ट है उसका मनोविज्ञान के ऊपर इन्होंने काम किया है और काफी सारे करियर ऑप्शंस का डेवलपमेंट में काम किया है किसने वोकेशनल साइकोलॉजी में वोकेशनल साइकोलॉजी हैज अ हिस्ट्री ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द अप्लाइड साइकोलॉजी एंड द अमेरिकन लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस आर वेल डॉक्यूमेंटेड ठीक है बट वी कुड फाइंड ओनली अ फ्यूज कैंटी अकाउंट्स ऑफ

मुश्किल हो रही थी कि अच्छा ये कंटेंट कहाँ से मिलेगा इस टॉपिक पे कैसे बात करें इसमें तो बहुत कम बात की गई है सो आई एम हेयर मैंने बहुत पढ़ा खोजा और आपके लिए ये मैं बना के लेके आई हूँ हैंड रिटन नोट्स सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है एंटीसीडेंट्स ऑफ वोकेशनल वोकेशनल साइकोलॉजी प्री हिस्ट्री की बात करें की जो वो कुशनल गाइडेंस की जो तो हिस्ट्री है इसमें क्या था कि जब छोटी जो छोटी छोटी सिटीज थी वो लार्ज कमर्शियल सिटीज़ में इन्वॉल्व हो रही थी ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था छोटी सिटीज को बड़ा किया जा रहा था इकोनॉमी में बहुत चेंज आ रहा था जो कि एग्रीकल्चर जो लोग जो जिनका रोजी रोटी एग्रीकल्चर पे चलता था वो मैन्युफैक्चरिंग की ओर जा रहे थे ठीक है इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा था फ्रॉम एटीन एटीज टू नाइनटीन ट्वेंटी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बढ़ा अर्बनाइजेशन बढ़ा लोग रूरल एरिया से आ, अर्बन एरियाज में शिफ्ट होने लगे इमिग्रेशन बढ़ा प्रोपेल्ड द अमेरिकन सिटीज इन टू मॉडर्निटी फैक्ट्री सिस्टम डेवलप हुआ जिसमें कि बहुत ही ज्यादा न्यू साइंटिफिक मैनेजमेंट अपनाया जिसको अर्बनाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टास्क भी बोलते हैं कि ठीक है अब एक चीज एक चीज़ को बनाने में, में इतने सारे लोग नहीं लगेंगे बस बल्कि बहुत सारी चीज़ें मशीन के थ्रू विद इन द कम टाइम ठीक है प्रोडक्ट प्रोडक्शन टाइम जो है वो कम हो जाएगा इसके लिए लेकिन एक स्पेशलाइज स्किल पर्सन भी तो चाहिए और उसके लिए काफ़ी सारे जो वोकेशन वोकेशन था मतलब काफ़ी सारे जॉब्स घटी भी और बढ़ी भी ठीक है और स्किल्ड चाहिए अब देखिए आगे देखते हैं कि इसमें कैसे किसने मदद की इन सबको स्किल्ड करने में क्योंकि बहुत ही जो रूरल एरिया से उनको कौन स्किल करेगा वो खुद से तो इतने जाके करा नहीं सकते कि ठीक है हम ये स्किल इन्हेंसमेंट का कोर्स कर लेते हैं और हमको ये स्किल आ जाएगी और हमको ये नई जो भी नई जॉब आई है मार्केट में ये लग जाएगी ऐसा तो नहीं होता है इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग लेट टू द इन्वेंशन ऑफ जॉब्स एंड टू द डिविजन ऑफ जॉब्स इन टू ऑक्यूपेशन सच एज एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेल्स अकाउंटिंग एंड न्यूमरस अदर्स अ मॉडल ऑफ सर सरकमस्क टास्क ट्रांसफॉर्म वर्क इन टू जॉब्स एंड ग्रुप्स ऑफ द जॉब्स इंटूक ऑक्यूपेशन अच्छा एक बात बता दूँ हो सकता है ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाए क्योंकि मैं कॉन्टेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ हो सकता है यह पार्ट वन हो अगर ये बीच में कट जाता है इसका पार्ट टू इसके जस्ट नीचे आ जाएगा अ हेल्पिंग हैंड अब वाई एम सी ए ठीक है इन्होंने कोर्स ऑफर किया कि जितने भी अनएम्प्लॉयड हो गए हैं या जो देखिए जब आप एक लोहार का एक लोहार से उसका लोहार का काम आप छुड़वा दे रहे हो और उसको बोल रहे हो कि कोई और काम करे तो उसको कोई और कला मतलब स्किल आती ही नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट होगा फिर वो चोरी चकारी और एल्कोहलिज्म में जाएगा क्राइम में जाएगा इसको हटाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो भी यंग लोग थे उनको वाई ने एक कोर्स ऑफर किया जिसमें रीडिंग है स्पेलिंग है ग्रामर प्रोवाइड किया हिस्ट्री की नॉलेज दी ज्योग्राफी की नॉलेज दी बाइबल राइटिंग अर्थमेटिक अलग अलग और इन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो ओपन किया जिसमें मदद भी जिसमें काम भी पड़ा कि अच्छा काउंसलिंग की जरूरत भी पड़ी हॉपकिन जो है इंस्टीट्यूट ठीक है यूनिवर्सिटी जो है इंडिविजल हु द वाईएमसी एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज सून सो दैट गाइडेंस पॉसिबिलिटीज इन द एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड बिगेन टू डू सम काउंसलिंग इन द कनेक्शन विद देयर प्लेसमेंट वर्क बट दीज पोटेंशियल वर नॉट एक्सप्लोर सीरियसलींटिल टूवर्ड्सोलॉजी ऑफ वोकेशन अब कैसे कैसे आगे बढ़े, ब, बढ़ रहे थे वोकेशन के साइकोलॉजी पार्सन जो है फ्रेंक पार्सन ठीक है पार्सन जो है उन्होंने ये उन्होंने ही इस पे स्ट्रेच किया है कि हाँ इस पे ध्यान था, जाना चाहिए क्यों जाना चाहिए बिकॉज ही वॉज अ प्रैक्टिशनर हु विश टू सर्व यूथ his impact on vocational psychology was important as an impact on vocational guidance and career counseling because he formulated the conceptual mo model on which field still rest adjustment is a function between fit fit between a person's capabilities thieke, capacities and characteristics characteristics on one hand and requirements of the routine of the occupation फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एबिलिटी है पेंटिंग और जॉब मांग रहा है कॉरपोरेट वाली स्किल्स तो मैं उस जॉब के लिए फिट नहीं हूं ठीक है अगर मैं जाऊंगी भी तो वो भी मे अनसेटिस्फाई रहेंगे और मैं भी कंपनी भी मुझसे अनसेटिसफाई रहेगी और मैं भी अपने काम से सेटिस्फेक्शन नहीं ले पाऊंगी अच्छा अगर वहीं पे जॉब है कि आप क्रिएटिव uh, क्रिएटिव uh, वाले डिपार्टमेंट में जाओ और मेरा पेंटिंग और फाइन आर्ट्स अगर है स्किल्स इंटरेस्ट है कैपेबिलिटीज है तो मुझे एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा मैं उस एनवायरमेंट में उस वर्क एनवायरमेंट में फिट आ जाऊंगी एंड हेंस उनको भी मुझसे अच्छे आउटपुट मिलेंगे रिजल्ट मिलेंगे मुझे भी उनसे मिलेंगे उनको भी मुझसे सेटिस्फेक्शन होगा और मुझे भी उनसे सेटिस्फेक्शन होगा ठीक है अब ये तीन आदर्शों पे स्थित थे ठीक है पहला है कि खुद की सेल्फ नॉलेज बढ़ाइए ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए ठीक है एंड जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट है उससे खुद को आप एक रीज, ट्रू रीजनिंग के थ्रू आप मैच कीजिए कि आपका एबिलिटी और जो जॉब का रिक्वायरमेंट है वो मैच कर भी रहा है या नहीं करवाया ठीक है एनेबल्ड वोकेशनल गाइडेंस पर्सनल टू डेवलप अ सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन इट शुड बी नोटेड एट द वोकेशनल गाइडेंस मूवमेंट स्टार्टेड बाय पर्सन एंड इज कलीग एट द बोस्टन वोकेशनल ब्यूरो लुकड एट द साइकोलॉजी फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑन पर्सनैलिटी टे एंड वोकेशनल गाइडेंस अब देखिये कैसे कैसे बढ़ रहे हम वोकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर ठीक है इन एस्टेब्लिशिंग द प्रोफेशन ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी कोलंबिया यूनिवर्सिटी वॉज द लीडर राइट थ्री रिकॉग्नेबल स्टैंड दिए इन्होंने ठीक है विच इज प्रोफेसर एंड स्टूडेंट वेव टूगेदर टू सूट देयर ओन इंटरेस्ट पहला है इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर इंडिविजुअल अलग है सबके कैपेबिलिटीज इंटरेस्ट और एबिलिटीज अलग है मेंटल फंक्शनिंग अलग है दूसरा इंटेलिजेंस मेजरमेंट और तीसरा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर एंड स्टेटिस्टिक द पर्सन हु वॉज टू बिकम फर्स्ट वोकेशनल साइकोलॉजिस्ट कौन था हैरी ठीक है याद कर लो हैरी हॉलिंगवर्थ जिन्होंने डॉक्टर लिया था 1919 में देखिए हाँ आगे है भी 1909 में द पर्सन हु वॉज फर्स्ट टू बिकम द फर्स्ट वोकेशनल साइकोलॉजिस्ट इट इज ट्रेनिंग इन इट्स अप्लाइड साइकोलॉजी एट कोलम्बो यूनिवर्सिटी से ही किया था किसके अंदर देखिए कितने दिग्गजों के अंदर इन्होंने ट्रेनिंग ली थी कैटल थॉन्डाइक एंड वुडवर्थ और है, और हैरी हॉरिंगवर्थ रिसीव हिस्स डॉक्टरेट इन नाइनटीन हंड्रेड अगेन वोली नाइनटीन हंड्रेड थर्टीन एडवोकेटेड द रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टैंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकेशनल एंड एजुकेशनल ठीक है गाइडेंस इन नाइनटीन सिक्सटीन हॉलिंग पब्लिश द वोकेशनल साइकोलॉजी अब देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं पहली बात तो ये पहले साइकोलॉजिस्ट बने मतलब वोकेशनल साइकोलॉजिस्ट बने इन्होंने बुक प्रमोट की ठीक है इन्होंने पहला एडिशन दिया दूसरा एडिशन दिया अलग अलग लोग इनकी बुक पब्लिश कर रहे हैं इनको पढ़ रहे हैं लाइक वोकेशनल साइकोलॉजी इन कैरेक्टर एनालिसिस वोकेशनल साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ वोकेशनल बिहेवियर एंड इट्स डेवलपमेंट राइट अब इन हॉलिंगवर्ड ने क्या बात की तीन मेजर प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की थी हाउ माइट इंडिविजुअल्स अचीव देयर सेल्फ नॉलेज ऑफ देयर कैपेसिटीज इंटरेस्ट एंड एपीट्यूड्स एंड हाउ डू दे कम्पेयर टू देयर ओन ऑन दिज करेक्टरिस्टिक्स सेकेंड क्वेश्चन क्या था हाउ मे ओके हाउ मे इंडिविजुअल एक्वायर इंफॉर्मेशन मॉर वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस इन वेरियस ऑक्यूपेशन एंड ऑर्डर टू सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट वन कैसे हमें पता चलेगा कि इस जॉब के लिए इस ऑक्युपेशन के लिए ये चाहिए और ये मेरे में कैसे आएगा ठीक है हाउ मेनी एम्प्लॉयर सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट अमोंग दमोंग दोल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट हॉलिंग आर्टिकुलेटेड द गोल्स ऑफ वोकेशनल साइकोलॉजी एज ए स्पेसिफाइंग द ट्रेड वोकेशनल साइकोलॉजी इन दिविलियंस लाइफ ठीक है मोस्ट आर्मी साइकोलॉजिस्ट रिटर्न फ्रॉम्ड टू अकेडमिक पोजिशन एंड दे था एंड दे था क्या पढ़ाया उन्होंने अपलाइड साइकोलॉजी पढ़ाया और एक बहुत सारी रिसर्च कंडक्ट की इन एडिशन मैनी ऑफ द प्रोफेसर ऑफ द अप्लाइड साइकोलॉजी एंगेज इंटो सबस्टेंशियल अमाउंट ऑफ कंसल्टिंग वर्क टू सप्लीमेंट ऑफ़ देयर यूनिवर्सिटी सैलरी ठीक है आफ्टर वर्ल्ड वार वन वोकेशनल टेस्टिंग एक्सप्लोज एक्सप्लोर्डेड एज द रीहेबिल्ड शोल्डर देखो सिविलियन लाइफ वर्ल्ड वार वन से पहले वो ये लोग पढ़ाते थे क्या पढ़ाते थे रिसर्च करते थे और अप्लाइड साइकोलॉजी पढ़ाते थे ठीक है इसके बाद जो वोकेशनल टेस्टिंग जो एक्सप्लोर्ड हुई कैसे जितने भी डिसेबल्ड शोल्डर डिस थे ठीक है जितने भी सैनिक थे उसमें उनकी पढ़ाई हुई उन, उनके टेस्ट लिए उनके स्टैंडर्डाइज बनाया एडमिनिस्ट्रेटर किया एडमिनिस्ट्रेट एज अ रेगुलर पार्ट ऑफ द गाइडेंस वर्क और यहाँ पे कहीं ना कहीं काउंसलिंग मतलब की शुरुआत हुई मतलब वोकेशनल काउंसलिंग की अब इनको क्या काम दे दे सकते हैं हम डिविजन ऑफ द यूएस आर्मी मेडिकल कॉर्ब एज वेल एज द वेटरन्स ब्यूरो kids in 1925 led a movement in vocational psychology called self-analysis it rejected psychology psychology test because of their low validity coefficient preferring to rely instead on individual self-appraisal of their abilities and their interest the rise of vocational psychology into science kaise hua it is an uh, empirical era, empirical era vocational psychology would क्रिस्टलाइज इट्स आइडेंटिटी एज अ साइकोलॉजिकल साइंस की तरफ जर रहे थे। बाई इमर्जिंग पार्सन वोकेशनल गाइडेंस को इमर्ज किया ठीक है थोड़ा एक्सपेरिमेंटल मतलब थोड़ा आ, बिनेट्स इंटेलिजेंट टेस्ट को इन दोनों को मर्ज किया ये जो दो स्ट्रीम थी ना जो देखे वोकेशनल गाइडेंस जो पार्सन ने बात किया था और इंटेलिजेंट टेस्टिंग जिससे हम अपने एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट इंटरेस्ट को टेस्ट कर सकते हैं ये इंटेलिजेंट टेस्ट बिनट वाले को दोनों को इमर्ज किया और एज अ साइकोलॉजिकल साइंस ये वोकेशनल साइकोलॉजी आगे क्रिस्टलाइज हुई मतलब इमर्ज हुई ठीक है so, सो हमने पढ़ा इतना इन दिस वीडियो हिस्ट्री ऑफ वोकेशनल साइकोलॉजी एंटीसीडेंट्स पढ़े कि पहले कैसे प्री हिस्ट्री फिर पोस्ट हिस्ट्री कैसे अर्बनाइजेशन हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ मैन फैक्ट्री सिस्टम आया तो नए स्किल्ड पीपल की जरूरत पड़ी फिर कैसे हेल्पिंग हेड इन्होंने कैसे वाई एम सी ए ने कैसे कोर्सेज पढ़ाया ठीक कोर्सेज कोर्सेज ऑफर किए अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में बदला ठीक है वोकेश साइकोलॉजी ऑफ अ वोकेशन कैसे ये आगे बढ़ा इमरजेंस कैसे हुआ वोकेशनल साइकोलॉजी को सिविल लाइफ में क्या फर्क पड़ा कैसे हुआ और लास्ट में ये एज अ साइंस कैसे इन्वॉल्व हुआ राइज हुआ ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ टू लाइक कॉमेंट एंड शेयर और आगे वोकेशनल साइकोलॉजी और साइकोपैथोलॉजी ये दोनों प्लेलिस्ट असाइनमेंट इसलिए चल रही है इन दोनों के साथ वीडियो आते जाएंगे ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज़ टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कीप स्टडिंग ऑल द बेस्ट फॉर ए फ्यूचर बाय